पायल ने क्रिश को बिंदिया के खिलाफ भड़काया, क्या बिंदिया और क्रिश हो जाएंगे हमेशा के लिए अलग? दोस्तों, सीरियल सुहागन में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्टेड टर्न्स, जहां पायल भड़काती है क्रिश को बिंदिया के खिलाफ। आपको बता दी, पायल को पता चल चुका है कि अम्मा बापूजी समय की चाल थी ताकि क्रिश और बिंदिया एक हो जाए। वहीं इस समय की शादी भी एक नाटक थी। ऐसे में सबके सामने पायल समय को कहती है कि बिंदिया की मांग भर दो। ऐसे में अम्मा घबरा जाती है और कहती है, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम सारे रस्मों रिवाज के साथ सैम और बिंदिया की शादी करेंगे। वहीं पायल कृष्ण से कहती है कि बिंदिया ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है और तुम फंस भी गए हो। ये तुम्हारी गलती है क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और बिंदिया के जाल में फंस गए। दूसरी ओर आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बिंदिया कृष्ण को माफ करने वाली नहीं है। क्रिश बिंदिया से माफी मांगता है, लेकिन बिंदिया कहती है, जब एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो कभी माफी नहीं दे सकती। ऐसे में अब क्रिश के मन में जहर भर रही है पायल कि बिंदिया ने चाल चली है ताकि तुम उसके जाल में फंस जाओ और तुम फंस भी गए हो। एक और जहां क्रिश को हो गया है बिंदिया के प्यार का एहसास, क्रिश को पता चल चुका है कि बिंदिया ही उसके लिए सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है, तो दूसरी ओर क्रिश को एक बार फिर से भड़का रही है पायल, और पायल क्रिश के करीब जाने की कोशिश कर रही है, उसे रिझाने की भी कोशिश कर रही है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि क्रिश पायल की बातों में आ जाएगा, एक बार फिर से बिंदिया का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगा। ऐसे में बिंदिया तो क्रिश से दूर ही रहना चाहती है। अब देखना होगा क्या क्रिश और बिंदिया हमेशा के लिए हो जाएंगे अलग, क्या पायल की चाल हो जाएगी कामयाब, क्या बिंदिया कर लेगी समय से शादी। क्या लगता है आपको इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट, चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।